यह है चाइना होंडा वाटर पंप से WP30 जो पेट्रोल से स्टार्ट होती है और किरासन से चलाते हैं हम। ये ऑयल वाटर पंप सेट है और जब इस इंजन को हम स्टार्ट करते हैं तो इसका चाल बराबर रहता है, कम और ज़्यादा नहीं होता है। जैसे हम यहाँ से एक्सेलेटर को हम कम करना चाहेंगे इस तरीके से, तो ये इंजन की चाल धीमी गति नहीं होगी, एक जैसा रहता है। जैसे हम यहाँ से इस तरीके से खींचना चाहेंगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि एक जैसा चाल रहता है। जबकि ये काम करना चाहिए, कम और ज़्यादा स्पीड होना चाहिए इंजन का। तो इसमें इसका जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों, वो एक्सीलेटर का होता है। जिस तरीके से मोटरसाइकिल में एक्सीलेटर थ्रोटल हम बोलते हैं, उसी प्रकार इसमें भी काम करता है। तो इसका जो है वो एक्सीलेटर स्लाइड इसमें भी होता है, वही चीज़ें काम नहीं कर पा रही हैं, जो कि वो एक जगह जाम है। तो वो ये चीज़ है दोस्तों, उसका एक्सीलेटर ये है जो गवर्नर से वो कनेक्ट रहता है। ये जो देख पा रहे हैं, ये एक्सीलेटर है, ये गवर्नर से कनेक्ट रहता है। अब इसको अगर हम आगे पीछे इस तरीके से अगर दबाना चाहेंगे तो ये दबता नहीं है, बिल्कुल एक जगह अटका हुआ है ये। जबकि ये आगे पीछे फ्री रहना चाहिए, जंप होना चाहिए, तो ये जंप नहीं हो रहा है, ये एक जगह जाम है। तो चलिए जानते हैं कि इसको सही कैसे करना है, इसके लिए हमें क्या क्या काम करना होगा, वो चीज़ें हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। अगर मेरे चैनल में पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज इसी तरीके से मोटरसाइकिल और चाइना होंडा वाटर पंप सेट का वीडियो लाता रहता हूं। वाटर पंप सेट तो कभी कभी मैं लाता हूं, लेकिन मोटरसाइकिल से रिलेटेड ज़्यादा वीडियो हमारी आती है। इसके विषय में मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखा है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा। इसके हमारा प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें से सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंजन का सही जो बोल्ट होता है, इंजन में चार बोल्ट होता है जो इंजन इस बॉडी से टाइट रहता है। तो एक बोल्ट यहाँ, एक यहाँ है देखिए, और इसी तरीके से दूसरे दो बोल्ट इस साइड में होगी। तो दो चारों बोल्ट को आपको खोल लेना है, क्योंकि इसके लिए हमें इसका जो कार्बोरेटर है वो कार्बोरेटर बाहर निकालना पड़ेगा। और ये जो कंप्लेन है दोस्तों, कार्बोरेटर के स्लाइड से कंप्लेन है। तो मैंने सारे बोल्ट इंजन का खोल दिया है, और अब क्या करेंगे, इस इंजन को हम थोड़ा इस साइड को घुमाएँगे। ये घुमाने के बाद हम क्या करेंगे, जब ये बोल्ट खोलेंगे ना तो ये बाहर की ओर आएगी, वरना इस जगह अगर खोलते हैं तो ये इसके वजह से कार्बोरेटर बाहर की ओर नहीं निकलती है। तो मैं इस बोल्ट को खोलता हूँ और इसे मैं बाहर निकालता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि और भी आगे हमें क्या काम करना होगा। तो इसके लिए 10 mm की ज़रूरत पड़ती है, अगर 10 mm है तो ठीक है, नहीं तो आप चाबी की मदद से भी इसे खोल सकते हैं। तो दो नट यहाँ से खोल के एक नट हमें यहाँ खोलना है। अब देखिए, इसे कवर को मैं बाहर निकालना होगा। इसे निकालने के लिए हमें ये जो नीचे का स्विच है ये होता है टंकी का पेट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए। जिस तरीके से यहाँ से ऑफ़ करते हैं किरासन वाल को, उसी तरीके से इसे भी हम ऑफ़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरफ ले आएँगे, तभी ये बाहर की ओर हम निकाल सकते हैं। तो ये बाहर की ओर निकल गई। अब थोड़ी बहुत हम क्या करेंगे, इस कार्बोरेटर को बाहर की ओर खींचेंगे। ये मैंने खींच लिया। अगर मैं ये है दोस्तों, ये एक्सीलेटर है, इसे ही हम एक्सीलेटर बोलते हैं। ये आगे पीछे होना चाहिए, ये इस तरीके से फ्री रहना चाहिए, घूमना चाहिए। जिस तरीके से हम बाइक का थ्रोटल हम खींचते हैं तो जंप होती है, उसी तरीके से ये भी जंप होना चाहिए, क्योंकि इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है इसीलिए जंप होता है। तो कंप्लेन दोस्तों यहीं पर है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से खोल लेते हैं, इस एक्सीलेटर को यहाँ से खोल लेंगे, इस पिन को। तो इस पिन को खोलने के बाद मैं आपको और भी आगे चीज़ें दिखाऊंगा। इसे खोलने के बाद आपको सीधा कार्बोरेटर बाहर निकाल लेना है, और कार्बोरेटर खोलने से पहले भी आपको पेट्रोल का पाइप खोलना होगा, जो यहाँ पे आपको पेट्रोल पाइप देखने को मिल जाती है। चाहे तो आप यहाँ से टैंकी के पास से खोल सकते हैं, या फिर कार्बोरेटर के पास से खोल सकते हैं। इसे आपको आराम से खोलना होगा, क्योंकि ये रहते रहते ये टाइट भी हो जाती है, आपको प्लास या पेचकस की मदद से भी आपको खोलना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों, मैंने कार्बोरेटर को बाहर निकाल दिया। अगर इंजन के चारों बोल्ट को आप नहीं खोलते हैं तो कार्बोरेटर बाहर की ओर नहीं निकलेगी। और यहाँ देख सकते हैं, इसका जो एक्सीलेटर है, जिसे हम थ्रोटल बोलते हैं, स्लाइड जो काम करता है, वो अभी यहाँ पे जाम है। तो ये जाम है दोस्तों, असल ये होता है कि जब ये इंजन खड़ी रहती है काफ़ी दिनों तक, घर पे जब खड़ी रहती है तो ये थोड़ी बहुत जाम हो जाती है। इसमें पानी का असर जाने की वजह से, एयर फिल्टर की मदद से पानी भी कभी कभी चला जाता है, तो इन्हीं की वजह से ये जाम हो जाती है। तो देखो, मैंने इसको थोड़ी बहुत अगर मैंने ताकत लगाया तो ये काम कर रही है, लेकिन ये फ्री नहीं हो पा रही है। जबकि इंजन जब मैं स्टार्ट करूँगा तो वापस रिटर्न नहीं होगी, थोड़ा जाम टाइप का है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम साफ़ करेंगे पूरी तरीके से, कार्बोरेटर को क्लीन करेंगे, ठीक है। तो आपको कार्बोरेटर सफाई कर लेना है हर तरीके से, सिर्फ ये नहीं कि मैंने इसको साफ़ कर दिया, फ्री कर दिया, हो गया। हम इसके जरिए से हम कार्बोरेटर को भी सफाई करेंगे।
तो चलो मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्बोरेटर किस तरीके से सफाई करना है, इसके हमें कौन कौन से पार्ट खोलना पड़ेगा। तो जितने सारे पार्ट होते हैं इसके अंदर, ए स्क्रू, जेड स्क्रू, जेड फ्लूड पिन, ये सभी चीज़ें आपको खोल लेना चाहिए। तो ध्यान रहे, जब भी कार्बोरेटर को सफाई करें तो पहले प्लेट को साफ़ कर लें, उसके बाद हम शुरू में पहले कार्बोरेटर के पूरे हिस्से को बाहर से ही हम साफ़ करेंगे। बाहर में जितने भी मिट्टी कचरा धूल होगी वो सभी निकल जाएगी, उसके बाद ही हम सारे पार्ट अंदर का खोलेंगे। ये आपको ध्यान देना है, पेट्रोल या किसी भी किरासन की मदद से या डीजल की मदद से इसे साफ़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपको पेट्रोल से ही साफ़ करना है, बेहतर रहेगा कि अगर पेट्रोल से सफाई करते हैं तो पेट्रोल से ज़्यादा साफ़ होता है, जल्दी साफ़ होता है और अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। पेट्रोल बहुत ही अच्छा चीज़ है दोस्तों, आपको ये चीज़ें ध्यान देना है। तो आप जैसा आपको सुविधा लगे वैसा आप काम करें। तो मैं इसे पहले बाहर से सफाई कर लूँगा, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा मिट्टी कचरा, इसमें धूल पड़ी हुई रहती है, इसको मैं पहले बाहर से सफाई कर लेता हूँ, उसके बाद फिर प्लेट को मैं सफाई करके उसके बाद मैं फिर से सारे पार्ट खोल के मैं इसे क्लीन करूँगा, ठीक है। तो इस ढक्कन को खोला, देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें कचरा है, तो इसे भी हम साफ़ कर लेंगे। दोस्तों जब भी हम किरासन ऑयल यूज़ करते हैं तो किरासन के साथ थोड़ा पानी का भी अंश होता है, वाटर का भी अंश होता है, उन्हीं के जरिए से ज़्यादा इसमें डस्ट कचरा बन जाती है। तो ये फ्लूड पिन है और फ्लूड डिप भी जिसे हम बोलते हैं। अब हम इसे अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे और आपको बेहतर रहेगा कि पेट्रोल यूज़ करना है, पेट्रोल यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे भी एक पेट्रोल टी है, तो यहाँ से भी ऑयल को हम ऑन ऑफ करते हैं, तो इसे भी खोल के साफ़ करना है। और ये किरासन ऑयल से काम करता है, ना कि पेट्रोल से। तो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी भी हमें दिखाई दे रहा है और इसे हम फेंक देते हैं। जिस तरीके से मोटरसाइकिल में कार्बोरेटर होता है, सेम उसी तरीके से ये भी होता है, लेकिन थोड़ा इसका सिस्टम अलग है, थोड़ा डिजाइन मॉडल अलग होता है, बाकी सारी चीज़ें इसमें वही चीज़ें लगाई गई है। इसमें भी स्लो जेड है, इसमें भी मेन जेड है, इसमें भी और आरपीएम स्क्रू है, इसमें भी एयर स्क्रू है, सभी चीज़ें हैं इसके अंदर भी। तो ये है दोस्तों, ये आरपीएम स्क्रू है, जो फाइबर वाला होता है, प्लास्टिक वाला होता है। यहाँ से भी हम इंजन के चाल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एक जगह चाल को रख सकते हैं। और ये है इसका स्लो जेड। जिस तरीके से मोटरसाइकिल के कार्बोरेटर में स्लो जेड होती है, पतले वाली जो बहुत ही कम सुराख होता है, उसी तरीके से ये भी एक स्लो जेड होता है। और उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी कचरा चली जाती है, उसकी सुराख बंद हो जाएगी, तो कभी भी चौक जल्दी से हटेगी नहीं आपके इंजन का। और ये होता है एयर स्क्रू, जो हम माइलेज सेटिंग करते हैं, पेट्रोल को कम या ज़्यादा करते हैं, ये होता है एयर स्क्रू। तो इसे हमें इसी तरीके से आगे पीछे करना है। पेट्रोल, किरासन, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसको आगे पीछे करेंगे तो ये फ्री हो जाएगी, इसे खोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा जाम रहता, ज़्यादा टाइट रहता, तो आप खोल कर भी इसे साफ़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे नट होती है इसके अंदर, क्योंकि स्लाइड में एक नट लगाया जाता है, स्क्रू लगाया जाता है, उसे खोल के आप बाहर निकाल सकते हैं। बाकी मैं इसे खोलूँगा नहीं, क्योंकि ये तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी इसके अंदर, जो किरासन या पेट्रोल के ज़रिए से ये अच्छी तरीके से साफ़ हो पा रही है और अभी तक ये फ्री हो चुकी है। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं पूरे क्लीन कर दूंगा। और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ी बहुत भी डस्ट है, लेकिन वो थोड़ा जम गया है, तो उसे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ब्रश व्रश जितना भी हो सके आपको मार लेना है, बाकी ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, बस फ्री हो जाए और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी चलते चलते ये और भी फ्री हो जाएगी, क्योंकि इंजन जब चलेगी यहाँ से, जब ऑयल पास करेगी, तो इस टाइम और भी ज़्यादा ये फ्री हो जाएगी। अगर ये बिल्कुल ही जाम रहता है, बहुत सारे ऐसे इंजन हैं जो रखे रखे इसके अंदर पानी चली जाती है और ये पूरा जाम हो जाता है, तो ऐसे हालात में आपको पूरा कार्बोरेटर चेंज करना होगा। मैंने ऐसे कई सारे इंजन देखे हैं जो उसमें उसका पूरा स्लाइड जाम रह जाता है, स्लो जेड मेन जेड में भी बहुत सारे कचरा डस्ट जम जाती है, उसकी मिट्टी जम जाती है, थोड़ा ऐसा लगता है जैसे कि सफ़ेदी या चूना वगैरह इसमें चला गया हो, तो वो जाम हो जाती है। तो उसको आप किसी तरीके से साफ़ कर तो सकते हैं, लेकिन जब इंजन को स्टार्ट करेंगे तो झटके लेगी, बंद होगी, जल्दी से चौक नहीं हटेगी। तो ऐसे हालात में आपको क्या करना है, कार्बोरेटर डायरेक्टर चेंज कर देना है।
आपको कार्बोरेटर बिना सोचे समझे आपको चेंज कर देना है जब भी पानी इसके अंदर जम जाती है। तो ऐसे में पूरे तरीके से मैं पेट्रोल को दे देता हूँ हर तरीके से। मैंने हर सारा पार्ट इसका खोल दिया और तो ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है। स्लो जार, मैन जार, एयर स्क्रू, आरपीएम स्क्रू, ये सारा चीज़ तो मैंने खोल ही दिया। फ्लूइड पिन भी खोल दिया मैंने, हर चीज़ खोल दिया। और मैं अभी से अच्छे तरीके से साफ़ करके फिर मैं फिटिंग करूँगा। हो सके तो पेट्रोल कैरोसिन मार के फिर आपको एयर मारना है। एयर गन अगर है आपके पास तो एयर भी, एयर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि एयर के ज़रिए से बहुत ज़्यादा सफाई होती है। तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं स्लो जेट, जो बहुत ही बारीक सुराख होती है। जिस तरीके से वायरिंग होती है मोटरसाइकिल की उसी तरीके से बहुत ही कम पतला होता है, बहुत कम इसका सुराख होता है। इसमें आपको वायरिंग डाल के ही साफ़ करना होगा। जिस तरीके से मोटरसाइकिल के जेट को साफ़ करते हैं उसी तरीके से इसको भी साफ़ करना होता है। इसमें ज़रा सा भी गर्द कुछ भी कंकल चली जाती है, सुराख बंद हो जाती है तो इंजन बहुत ऐसा होता है, स्टार्ट तो होगी लेकिन चौक नहीं हटेगी जल्दी से इन्हीं की वजह से। तो अगर इस तरह की समस्या आती है आपके इंजन में तो आपको से पहले इसे खोलकर साफ कर लेना है। इसे खोलने के लिए आपको कार्बोरेटर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको वहाँ से आरपीएम स्क्रू खोलना है और वहाँ से इसे पेचकस की मदद से डायरेक्ट इसे बाहर की ओर निकाल सकते हैं और फिर साफ करके इसको लगा सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि मैं कहाँ पे इसे लगा रहा हूँ, आपको पता चल जाएगी कि ये कहाँ पे लगता है, किस तरीके से बिना कार्बोरेटर खोले आप इसे चेंज कर, इसे अच्छी तरीके से सफाई कर सकते हैं। तो इसे हम एयर स्क्रू बोलते हैं, जिससे हम पेट्रोल को कम या ज़्यादा करते हैं, यानी कि माइलेज सेटिंग करते हैं उसी तरीके से, जिस तरीके से मोटरसाइकिल का माइलेज सेटिंग करते हैं उसी तरीके से ये भी एयर स्क्रू होता है जो आगे की ओर होता है। सेम मोटरसाइकिल की तरह ही इसका भी आप माइलेज सेटिंग कर सकते हैं, फुल टाइट करके आपको पाँच से छः गुना आपको लूज करना है, ठीक है। या फिर हो सके तो बॉडी जो आपको दिखाई देती है उसके बराबर पर आपको रखना है, थोड़ी बहुत एक दो चूड़ी अंदर की ओर आप रखें। तो सेम इसमें भी फ्लूड पिन, फ्लूड वाल इसमें दिया गया है, सेम उसी तरीके से इसमें भी पिन मिलेगी और साथ में इसको इसी तरीके से लगा सकते हैं। अगर ये ख़राब हो जाती है तो बहुत ऐसे इंजन हैं जो इंजन में ऑयल बढ़ जाती है, किरासन ऑयल मिल जाता है उसके अंदर, मिक्स हो जाता है, तो इन्हीं की वजह से होता है, ठीक है ना दोस्तों। आपको इसके अंदर ही काम करना होगा। इस कटोरी को हमें इस तरीके से लगाना है, ये कार्बोरेटर हमारा इस तरीके से लगेगी और ये जो चाबी है ये हमें इस साइड में हमें रखना है। तो अब हमें स्लो जेट को लगाना है, जो बाहर से ही हमने बोला था कि ये बाहर से ही लग जाती है। तो यहीं से आपको पहले आरपीएम स्क्रू को फाइबर वाले को खोल लेना है, फिर आप इसे स्लो जेट को आप लगाएंगे। तो यहाँ से मैंने लगा दिया, इसमें घाटे बनी होती है, आपको वो देख के लगाना है, उसके साइज में देख कर लगाना है, थोड़ी बहुत इसे नीचे ठोक देना है या दबा देना है, हाथ से ही चली जाती है, ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर ये एयर स्क्रू को, आरपीएम स्क्रू को हम यहाँ से टाइट कर देंगे। इसे भी अपने मुताबिक रख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि इसे कितना गुना टाइट करना है, ये ज़रूरी नहीं है। आप इंजन को स्टार्ट करेंगे तो अपने इंजन के चाल के हिसाब से आप इसे रख सकते हैं। और ये हो गया चौक का लीवर। तो दोस्तों मैंने इस तरीके से पूरे कार्बोरेटर को क्लीन कर दिया, जो परेशानी थी इसके अंदर जो स्लाइड जाम था वो मैंने फ्री कर दिया। अब इस तरीके से मैं इसको फिटिंग करूँगा। तो कार्बोरेटर लगाने से पहले आपको एक पैकिंग चेक कर लेना है, अंदर का जो गैस्केट होता है उसे चेक कर लेना है। अगर वो कटा हुआ फटा हुआ रहेगा तो इंजन आपकी स्टार्ट तो होगी लेकिन दिक्कत करेगी, अगर वो फटा हुआ है तो आपको नया देना है या फिर उसमें सुरेशन या कुछ भी आपको दे के उसको बंद करना है। मैंने हर तरीके से पूरा कंप्लीट कर दिया, पूरा फिट कर दिया कार्बोरेटर को, एयर फिल्टर को भी लगा दिया। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसका जो एक्सेलेटर है ये अब जब मैं आगे पीछे करता हूँ तो ये जंप कर रही है, देखिए।